अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम हियर विथ अ न्यू चैप्टर दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रिया फॉर द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर द स्टैंडर्ड 12th साइंस। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। सो फॉर दैट पर्पज आई एम हैविंग एन एग्जाम्पल फॉर यू। इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी there are two red balls which are in a balanced condition and one word is written over here and that is equilibrium। students yahan par do red color ke ball hai, in dono ball ko aap dekh sakte ho ki dono bhi balanced situation mein hai aur isi balanced situation ko kaha gaya hai equilibrium। to hamare chapter mein yahi baat aati hai ki agar koi chemical reaction balanced situation mein hai to use equilibrium kaha jayega और यही इक्विलिब्रियम वर्ड अगर प्लूरल रहेगा तो उसे कहा जाएगा इक्विलिब्रिया, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में वी आर गोइंग टू सी सो मेनी केमिकल रिएक्शन इन आयनिक पैटर्न। दैट इज़ व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ गिवन एज आयनिक इक्विलिब्रिया। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रिया वर्ड की मीनिंग बता दी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर के लिए। देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। देन वील सी व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द थियोरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विच आर गिवन बाय डिफरेंट केमिस्ट, दैट इज़ गिवन बाय अरहेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी एंड लेविस। So the name of the theories are given according to the name of the scientist, that is chemist। chemist के नाम के हिसाब से ही इन concept के, इन theories के नाम दिए गए हैं। Arrhenius concept of acids and bases, the Bronsted Lowry acids and bases and Lewis acids and bases। students हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। okay, just now I told you that we should know the meaning of ionic equilibrium। the correct definition of ionic equilibrium is over here। the equilibrium between ionized and unionized molecules in the given solution is called ionic equilibrium। yani ke kisi bhi solution ke andar ionized aur unionized molecules ka एक बैलेंस्ड सिचुएशन यानी कि इक्विलिब्रियम में आने को ही आयनिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक एग्जांपल, और इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि NaCl इज ट्रीटेड विद AgNO3 एंड दैट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ AgCl एंड NaNO3। जब हमने NaCl लिया एक बीकर में, दूसरे बीकर में AgNO3 लिया, तो हमको प्रोडक्ट जो मिला है वो ये है, AgCl और सोडियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट बन गया, जबकि सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, हम यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 सोडियम आयन्स है, तो बराबर प्रोडक्ट में भी, आफ्टर रिएक्शन में भी हमको 3 सोडियम आयन्स दिखाई देते हैं, और उसी तरीके से नाइट्रेट के जो 3 आयन्स जो दिखाई देते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 3 है, जबकि AgCl आप देख सकते हो 3Ag+ एंड 3Cl- माइनस आयन, वी कांट सी हियर इन द आफ्टर रिएक्शन इन द थर्ड बीकर, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में हमको वो आयन फॉर्म में नहीं दिख रहा है, यानी कि AgCl जो रहेगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, जबकि इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन में NaCl जो है एक्वस यानी के पानी में तैयार किया गया है, AgNO3 ये भी पानी में तैयार किया गया है, विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ AQ यानी एक्वस, पानी में ये सॉल्यूशन बना है, तो उस तरीके से जो AgCl बना है वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, और वो सॉलिड स्टेट यानी कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड स्टेट ही कहा जाएगा, जबकि NaNO3 जो रहेगा वो एक्वस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में हमको दिखाई देगा, Na+ और NO3-। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग हियर, आयनिक इक्विलिब्रियम ये जो है तो ये आयन का बनना, यानी कि आयन, एज यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, दैट इज़
कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन, यही आयन्स का यहाँ पर बैलेंस्ड फॉर्म में हमको दिखाई देना, यही इस आयनिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल मैंने आपको दी है। यहाँ पर एक अलग वर्ड आपको दिखाई देता है, वो है स्पेक्टेटर आयन्स। हालांकि आपके चैप्टर में ये चीज़ बताई नहीं गई, लेकिन फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर मैं बता देती हूँ। स्पेक्टेटर आयन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। स्पेक्टेटर आयन्स यानी कि ये जो आयन्स है बैलेंस सिचुएशन में आपके रिएक्टेंट में भी नज़र आता है और आपके प्रोडक्ट में भी नज़र आता है, कैटायन और एनायन, जबकि AgCl प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड स्टेट में रहेगा। ओके, इतना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है आयनिक इक्विलिब्रियम जो आपकी डेफिनेशन है। बढ़ते हैं आगे। ओके, आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जब आप आपकी टेक्स्ट बुक देखोगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन। लेट्स सी व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस विच ईदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मोल्टन स्टेट यानी कि पिघली हुई हालत में या तो फिर इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि किसी कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। जैसे NaCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से आसानी से पास हो सकती है। डेट इज़ वाई द नेम इज़ गिवन इलेक्ट्रोलाइट्स। आई रिपीट द डेफिनेशन। सब्सटेंस विच ईदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पिघली हुई हालत में या पानी में अगर उनका उन कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बनाया जाए तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। ओके, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स मे बी एसिड्स, इट मे बी बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं? या तो एसिड्स हो सकते हैं या बेसिस हो सकते हैं या तो फिर सॉल्ट्स हो सकते हैं। ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो उनके आयन्स बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको अगर पानी में डिजॉल्व किया जाए तो इनके आयन्स बहुत ही कम बनते हैं, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आपको अभी एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूँगी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करूँगी तो उसके आयन्स H+ और Cl- आयन बहुत ही तेज़ी से बनते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल मैं एसिटिक एसिड का लूँगी। एसिटिक एसिड CH3COOH को अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूँगी तो उसके आयन्स वाटर में बनेंगे CH3COO- और H+, लेकिन वो आयन्स कम नंबर में, कम तादाद में बनेंगे, इसीलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हो सकते हैं, तो सॉल्ट्स हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकती हूँ HCl, HNO3, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस के फॉर्म में मैं NaOH, KOH का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्ट में देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl, KCl हो सकते हैं। ओके, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट देखें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड और वीक बेसिस हैं। तो वीक एसिड्स जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COH, और वीक बेसिस अगर आप देखें तो NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को और अच्छे से हम समझ सकते हैं और वो कैसे समझा जा सकता है। वी आर हैविंग अ पिक्चर ओवर हियर
टू अंडरस्टैंड अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये बताया गया है, डिसोसिएट इन वाटर प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। डिसोसिएट होना यानी कि ब्रेक हो जाना, उनका टूट जाना, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि पानी में टूट जाते हैं, डिसोसिएट यानी कि टूट जाना, और बहुत ही अच्छी उर्दू में से कहा जाता है इंतशार हो जाना, पानी में उनका इंतशार होना, टूट जाना। किस सूरत में? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, यानी कि कैटायन, पॉजिटिव आयन यानी कैटायन और नेगेटिव आयन यानी कि एनायन में वो बहुत ही तेज़ी के साथ टूट जाते हैं। डिजॉल्व इन वाटर एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। पानी में हल पजीर होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से उनमें से गुजर सकती है। अब यहाँ पर ये कुछ रिएक्शन आपको बताई गई है NaCl, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके 100% आयन Na प्लस और Cl माइनस में बनेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कैल्शियम ब्रोमाइड CaBr2, जो अगर इसको डिसॉल्व किया गया वाटर में तो इसके आयन Ca2 प्लस और 2Br माइनस वाटर फॉर्म में 100% आयन बनेंगे, कैटायन Ca2 प्लस और एनायन Br माइनस की सूरत में। यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए Br के साथ 2 मोल्स लिया गया है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेंगे? सॉल्यूट पार्शियली आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। अगर उनको इन कंपाउंड्स को वाटर में डिजॉल्व किया गया तो इनके आयन्स तो बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। वीक एसिड एंड वीक बेसिस का एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको दिया, वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड आप ले सकते हो, तो एसिटिक एसिड के जो आयन्स बनेंगे CH3COO- एनायन और H+ कैटायन जो रहेंगे वो बनेंगे लेकिन कम मिकदार में बनेंगे, कम नंबर में रहेंगे। और वीक बेसिस जैसे कि NH4OH, NH4+ आयन कैटायन और OH- एनायन बनेंगे लेकिन उनकी तादाद क्या रहेगी? कम रहेगी। यहाँ पर एक कंपैरिजन लिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए आपको और अच्छे से समझने के लिए। इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि हमने क्या किया है, 3 बीकर लिए हैं। इन दीज 3 बीकर्स वी हैव टेकन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देन वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि मैंने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, उसको कनेक्ट किया है बैटरी से। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल में HF लिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और थर्ड में लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं शुगर सॉल्यूशन लिया गया, और तीनों के तीनों बीकर को बैटरी से कनेक्ट करके रखा गया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो बल्ब होता है वो बहुत फास्ट ऑन होता है क्योंकि उसमें आयन्स फास्ट डिसोसिएट होते हैं, फास्ट आयोनाइज होते हैं, आयन जल्दी जल्दी बनते हैं, ज़्यादा आयन बनेंगे इसलिए वो बल्ब जल्दी ऑन होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि आयन कम बनते हैं तो आयन की कमी की वजह से बल्ब तो ऑन होगा लेकिन कम रफ्तार से, उसकी स्पीड कम रहेगी। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल आयन नहीं बने। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि ऑल आयन्स, वेरी फ्यू आयन्स एंड नो आयन, एंड ड्यू टू विच यू कैन सी स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन दिस एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आई होप के विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। मूविंग अहेड हियर, the next is the definition for the degree of dissociation. This degree of dissociation is represented by alpha. Dissociation, just now I told you, ke kisi bhi compound ka toot jana, muntashir hona, intishar hona, to us compound ke muntashir hone ke baad jo ion banenge, to uski degree kya hai, uski capacity kya hai, is cheez ko hum dekhte hain yahan par is definition ke zariye। और डेफिनेशन दी गई है, अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, डेट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, वो डिसोसिएट तो होगा किस में? आयन में, कैटायन और एनायन में, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेंड। इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस जब होती है रिएक्शन, तो उस रिएक्शन की बैलेंसिंग के दौरान उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होने के बाद आयन में कन्वर्ट होने का जो फ्रैक्शन होगा वही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
कहलाएगा। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से बताया गया है और इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है और फार्मूला दिया गया है यहाँ पर, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल हमने कोई कंपाउंड लिए हैं 3 ग्राम और उस 3 ग्राम कंपाउंड को हम बोलेंगे 3 नंबर ऑफ़ मोल्स और वो डिसोसिएट हुआ उसके आयन में, वो कंपाउंड टूट गया उसके आयन में 3 ग्राम में से 1 ग्राम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड यानी 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इज 3, तो 1/3 अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट, आगे देखते हैं। फर्दर वी आर हैविंग अ फार्मूला फॉर पर्सन डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल, यू हैव अ फार्मूला अल्फ़ा इंटू 100। जैसे कि आप आपके परसेंटेज को निकालने के लिए 100 को से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि आपके मार्क्स है 584 डिवाइडेड बाय 600, तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आता है। उस फ्रैक्शन के आंसर को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू मल्टीप्लाई इट बाय 100, दैट इज़ व्हाई यू आर गेटिंग योर परसेंटेज। सिमिलरली हियर आल्सो पर्सन डिसोसिएशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा इनटू 100। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ हियर इन माई कंटेंट ओनली आई हैव टोल्ड यू यू वी आर गोइंग टू सी द थियोरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विच आर गिवन बाई डिफरेंट केमिस्ट, और वो केमिस्ट हमारे हैं, फर्स्ट केमिस्ट इज वी आर हैविंग अरहेनियस। ये अरहेनियस हैं द ग्रेट केमिस्ट जिसकी हम थियोरी पढ़ने वाले हैं। सेकेंड वी आर हैविंग लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, इनकी भी थियोरी हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस की। और उसके बाद द वेरी एडवांस्ड थियोरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस गिवन बाय अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ग्रेट केमिस्ट जी एन लेविस। ये लेविस हैं। ओके, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ही इज़ अरहेनियस, ही इज़ लॉरी, ही इज़ ब्रॉन्स्टेड एंड ही इज़ लेविस। ओके, आगे देखते हैं इन्होंने अपनी क्या 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 थियोरी दी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अरहेनियस थियोरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेट्स सी हिज थियोरी, व्हाट ही हैज गिवन इन हिज थियोरी। स्टूडेंट्स, इसकी थियोरी जो थी अरहेनियस थियोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द डेफिनेशन, अरहेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। पहले बात तो ये है कि अरहेनियस की जो थियोरी है एसिड्स एंड बेसिस की, एक्वस सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि किसी भी कंपाउंड को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो अरहेनियस थियोरी इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ये एक्वस सॉल्यूशन वर्ड मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, शायद आपको याद हो जाए। सो अरहेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड इज़ व्हाट, सब्सटेंस डेट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स, डेट इज़ H+ आयन व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। यानी कि कोई भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो सब्सटेंस H+ आयन देता है तो उसे एसिड कहा जाता है। तो व्हाट अरहेनियस टोल्ड के एसिड्स शुड हैव H+ आयन। अरहेनियस ने ये कहा है कि एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं अगर उनके इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उन्होंने H+ आयन देना ही चाहिए, अगर H+ आयन देते हैं तो ही वो एसिड कहलाएंगे। तो यहाँ पर व्हेन HCl इज़ डिसॉल्वड इन वाटर इट विल गिव इट्स कैटायन H+ एंड इट विल गिव इट्स एनायन Cl-, सो डेट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इट इज़ एसिड। लेकिन अरहेनियस के कॉन्सेप्ट में एक खामी ये भी है कि अगर हम कहें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसका नेचर एसिडिक होता है, तो यहाँ पर अरहेनियस की कॉन्सेप्ट काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि अरहेनियस ने कहा है कि एसिड वाले कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ देना ही चाहिए, तो CO2 तो एसिड है लेकिन वो H+ नहीं देता, तो यहाँ पर हम अरहेनियस की कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये उसका एक लिमिटेशन है। तो
तो स्टूडेंट फिलहाल आप डेफिनेशन पर ध्यान दें अरहेनियस की. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द अरहेनियस डेफिनेशन फॉर बेसिस. अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, सब्सटेंसेज डेट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन डेट इज़ ओ एच माइनस वैन डिजॉल्व इन वाटर. अरहेनियस ने ये कहा है कि बेसिस आर दी सब्सटेंसेज वैन दे आर डिजॉल्व इन वाटर दे शुड प्रोड्यूस ओ एच माइनस आयन, यानी कि वो हाइड्रोक्साइड आयन देना चाहिए. ऐसे कंपाउंड्स जिनको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद अगर ओ एच माइनस आयन देते हैं तो ही वो बेसिस कहलाएंगे. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अगर हमने लिया NaOH, इसको अगर हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हमको मिलता है Na प्लस NaOH माइनस. तो OH माइनस मिला, इसलिए अकॉर्डिंग टू अरहेनियस दिस इज़ अ बेस. लेकिन दोबारा मैं कहूँगी कि अगर हमने कंपाउंड लिया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेस. लेकिन यहाँ पर अरहेनियस के कॉन्सेप्ट काम नहीं करती, क्योंकि Na2CO3 को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो OH माइनस आयन नहीं मिल पाता. इसलिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन पर अरहेनियस की कॉन्सेप्ट काम नहीं करती. तो कुछ लिमिटेशंस आती हैं अरहेनियस की थ्योरी में. ओके स्टूडेंट, यू लर्न द अरहेनियस थियोरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद द हेल्प ऑफ दिस. मूविंग अहेड, we are having here Bronsted-Lowry theory. Bronsted and Lowry की जो theory थी acids and bases की, total proton theory थी. proton यानी के H plus. according to them acids donate proton, यानी के acids ऐसे compound होते हैं जो के proton देते हैं. and bases accepts proton, bases ऐसे compounds होते हैं जो के proton को accept करते हैं. we are having an example over here, HCl plus H2O. It will give the formation of H3O plus and Cl minus. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि HCl में प्रोटॉन जो है HCl ने अपना प्रोटॉन यानी कि H plus वाटर को दे दिया, जिसकी वजह से वाटर बन गया H3O plus. तो हम ये बोल सकते हैं कि HCl is an acid. Okay? और उसके बाद H2O ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, H2O ने HCl के ज़रिए दिए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने वाला कहलाएगा बेस. तो यहाँ पर HCl विल बी एन एसिड एंड H2O विल बी बेस. अब उसने अपना एक और कॉन्सेप्ट दिया है कि जब एसिड और बेसेस जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो अपना एक नया आयन तैयार करते हैं और वो कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड्स एंड बेसेस. यहाँ पर देखिए आप, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड यानी सेल्फ जनरेटेड, खुद से बनाने वाले. तो यानी जो एसिड होंगे तो उनसे हासिल होने वाले कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड बेसिस, और बेसिस जो होंगे उनसे हासिल होने वाले कहलाएंगे कॉन्जुगेटेड एसिड्स. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो अपना प्रोटॉन देगा तो उसने अपना कॉन्जुगेटेड बेस तैयार किया, और जिसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन तो वो बेस रहेगा, वो बेस अपना कॉन्जुगेटेड एसिड बनाएगा. स्टूडेंट, आपको इस केमिकल रिएक्शन में एक एसिड, एक कॉन्जुगेट एसिड, एक बेस, एक कॉन्जुगेट बेस मिलेगा. तो यहाँ पर आप सिर्फ एक एसिड पहचानो तो उसका सिमिलर स्ट्रक्चर उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, और अगर एक एसिड है लेफ्ट हैंड साइड पर तो बाजू वाला बेस ही रहेगा, ऑटोमेटिकली वो बेस हो जाएगा. ओके, तो वो बेस जो रहेगा उसका सिमिलर स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का यहाँ पर एक और मैंने एग्जांपल लिया है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए. आप इसको खुद से देखो, और जब आप खुद से देखोगे तो पहली चीज़ आपको देखना है एसिड, एसिड के बाजू वाला बेस. आगे आप खुद से देखो कि वो कैसे अपने एसिड बेस तैयार करते हैं कॉन्जुगेटेड पैटर्न में, और कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब होगा, यहाँ पर ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट का मतलब रहेगा सेल्फ जनरेटेड, खुद से बनाने वाले. आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कॉन्सेप्ट आती है, आगे थ्योरी आती है लेविस थ्योरी. इन दिस लेविस थ्योरी
वी आर हैविंग. वेरी सिंपल डेफिनेशन फॉर लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. स्टूडेंट्स रिमेंबर के अभी एडवांस केमिस्ट्री में IUPAC के तहत लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इट इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. एसिड बेस की जो कॉन्सेप्ट चल रही है वो लेविस कॉन्सेप्ट चल रही है. अकॉर्डिंग टू हिम एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. उसने अपनी जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर दिया है. अकॉर्डिंग टू हिम एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. तो आप एक चीज़ ध्यान में रखो, क्योंकि हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. अरहेनियस में तो खैर ठीक है कि इट इज़ बेस्ड ऑन H+ एंड OH-. लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस दोनों की कॉन्सेप्ट में मे बी यू आर गेटिंग सम कन्फ्यूजन. सो वेरी सिंपल कि आप लेविस कॉन्सेप्ट में ध्यान रहे कि A फॉर एसिड एंड A फॉर एक्सेप्ट एंड दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. तो बेसिस क्या हुए? दे आर ऑटोमेटिकली, अगर एक एक्सेप्ट कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है. डेट इज़ वाई बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. पेयर में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और पेयर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं. यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखिए. सो डेट इज़ वाई व्हेन एसिड एंड बेसिस दे आर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू विच कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मिंग एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड ड्यू टू विच अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मिंग. नाउ लेट्स हैव द एग्जाम्पल. हियर आई हैव अ जनरल एग्जाम्पल, लेविस एसिड एंड लेविस बेस. तो यहाँ पर एसिड, दिस ए इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू बी एंड बी इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मिंग बिटवीन ए एंड बी. वॉट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्मिंग ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. द एक्स्ट्रा वर्ड कोऑर्डिनेट इज कमिंग. कोऑर्डिनेट इट मीन्स डैट, कोऑर्डिनेट इट मीन्स डैट के टू इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द सेम एटम. दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से अगर एक्सेप्ट किए जाएँ तो उसे जो बनेगा हमारा बॉन्ड, उस बॉन्ड को कहा जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. मैं आई रिपीट हियर, कोऑर्डिनेट मीन्स व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द सेम एटम. एक ही एटम से जब दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएं तो जो बॉन्ड बनेगा सो डैट विल बी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. हियर आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर लेविस कॉन्सेप्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर मोर क्लियरली. To explain about the Lewis concept of acid and bases, here I am having the reaction of boron trifluoride, boron trifluoride BF3 with ammonia, that is NH3. Here in this example I am having the dot formula for boron trifluoride. यहाँ पर डॉट के साथ साथ हमने बीच में डैश फार्मूला डाला है और यहाँ पर बाकायदा आपको बताया गया है कि हु इज़ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड हु इज़ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड. हियर दिस डॉट फार्मूला यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर स्टैंडर्ड 11th. सारे स्टूडेंट जानते हैं कि कैसे डॉट आए हैं फ्लोरीन के ऊपर और ये कैसे बॉन्ड बना है, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं. व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विथ NH3, नाउ हियर यू कैन सी के ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट के नाइट्रोजन इज़ हैविंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के पास एक कैपेसिटी होती है कि उसके एक इलेक्ट्रॉन के जो पैर होती है वो एक्स्ट्रा रहती है, लोन पैर जिसे कहा जाता है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो किसी को भी दे सकता है. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो इट्स वेरी क्लियर नाउ के नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन. ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन का पैर बोरॉन को दिया. तो एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए वी रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन. सो ड्यू टू द 2 इलेक्ट्रॉन वी आर हैविंग अ सिंगल बॉन्ड. अब ये आप देख सकते हो कि दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय अ सिंगल एटम. ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ज़रिए दिए गए हैं? नाइट्रोजन एटम के ज़रिए. तो जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ इट इज़ क्लियर. अब यहाँ पर ये चेक करते हैं कि लेविस एसिड कौन हुआ और लेविस बेस कौन हुआ. क्योंकि आप देख सकते हो हमारी पिछली स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा. तो बोरॉन ने एक्सेप्ट किया तो वो कहलाएगा लेविस एसिड,
और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए वो कहलाएगा लेविस बेस। ओके, यहाँ पर भी लिखा हुआ है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर सो इट इज़ अ लेविस एसिड एंड अमोनिया डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर सो इट इज़ लेविस बेस। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल दैट विल मेक योर कंसेप्ट ऑफ लेविस एसिड एंड बेस मोर क्लियरली। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स चेक आउट एंड लेट्स वी हैव अ क्विक रिविजन फॉर दीज थ्री कंसेप्ट ऑल टूगेदर। हियर आई हैव the three concepts together for a quick revision: Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis. I made here acid and base. According to Arrhenius, acids when they are dissolved in water they will give H plus ion, and bases are the substances when they are dissolved in water they will give OH minus ion. Okay, Bronsted-Lowry concept totally proton concept। ध्यान रहे कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू देम एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, दे आर द कंपाउंड्स विच विल डोनेट प्रोटॉन, इसीलिए उन्हें प्रोटॉन डोनर एच प्लस डोनर कहा जाता है। एंड बेसेस दे विल एक्सेप्ट प्रोटॉन। ओके, नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट गिवन बाय लेविस, लेविस एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू लेविस, लेविस कॉन्सेप्ट इज टोटली इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, तो ए फॉर एसिड ए फॉर एक्सेप्ट। आप लेविस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड्स आर दी सब्सटेंसेस दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड्स क्या करेंगे, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जबकि बेसिस आर दी सब्सटेंसेस विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज़ वाई दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, यहाँ पर हम आयनिक इक्विलिब्रिया का फर्स्ट लेक्चर स्टॉप करके आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप दूसरा कुछ आगे का एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी। टिल देन थैंक यू। और आपको ये चीज़ ध्यान में रहे कि आपका जितना भी लेक्चर लिया जा रहा है आपको वो लेक्चर इन वीडियोस पर अच्छे से देखना है, पढ़ना है, अपनी नोटबुक और पेन लेकर आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड का मतलब है आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, यू हैव टू शेयर इट, यू हैव टू लाइक इट। टिल देन थैंक यू, आई विल मीट यू with my next explanation in my next lecture। Allah Hafiz।